बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिजमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। आप सबको जनाब मेरे चैनल ट्रेड लाइक्स चैम्पियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। अच्छा जनाब, नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ, और वीडियो के थंबनेल से आपको मालूम हो रहा होगा कि हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पेनी स्टॉक के हैं। तो जनाब वो पेनी स्टॉक जो कि एक अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट करते हों, जो कि डेड स्टॉक ना हो और जिनकी अर्निंग भी जनाब पॉजिटिव हो, वही स्टॉक आपके साथ शेयर करूँगा। और जिनके अंदर जनाब आप 2 से 2.5 लाख रुपये 2 से 2.5 लाख रुपये लगा के इन्वेस्ट करके जनाब आराम से मंथ के अंदर 20 से 25 हज़ार अर्न कर सकते हों, तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ वही स्टॉक डिस्कस करूं जिनसे आपको फ़ायदा पहुंचे। तो जनाब आपके सामने हम नेटवर्क का चार्ट ओपन है, तो शुरुआत करते हैं हम नेटवर्क से। वीकली चार्ट के ऊपर जनाब हम नेटवर्क ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 5.50 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और सबसे पहले जनाब कोई भी स्टॉक आप बाय करते हैं तो उसका ट्रेंड आप चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चीज़ चेक करनी होती है, स्टॉक का या इंडेक्स का ट्रेंड चेक करना होता है। तो यहाँ पर जनाब इसका जो ट्रेंड है हम नेटवर्क का आपके सामने है, साइडवे ट्रेंड कह लें या रेंज बाउंड ट्रेड कह लें, कि उस ट्रेंड के अंदर ही हमें रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो एवरेज हाई बनता है जनाब वो 6.19 रुपीज़ का बनता है, और इसका जो एवरेज लो बनता है जनाब वो 5.13 रुपीज़ का बनता है। मतलब 5.13 रुपीज़ से लेके 6.19 रुपीज़ की रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, और कब से कर रहा है वो डेट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ये भी मालूम हो जाए। तो जनाब 21 दिसंबर 2020, मतलब तकरीबन कह दें कि तकरीबन 2.5 साल से जनाब ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मतलब इसके अंदर अच्छी बाइंग जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आपको मिल सकती है जनाब 5.35 रुपीज़ से लेके 5.13 रुपीज़ का इसका एंटर लेवल है, और आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं जनाब 6 रुपीज़ से लेके 6.19 रुपीज़ की रेजिस्टेंस के अराउंड। मतलब अगर आपको ये 1 रुपये का भी गेन दे देता है तो जनाब 10% तक का गेन बन जाता है, अच्छा खासा गेन बन जाता है। तो जनाब स्टॉक मैंने चूज़ किया है आप लोगों के लिए वो है CLVL, कोडोबा लॉजिस्टिक एंड वेंचर्स लिमिटेड। जनाब कोडोबा लॉजिस्टिक एंड वेंचर्स लिमिटेड का CLVL का आपके पास वीकली चार्ट ओपन है। तो जनाब CLVL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वीकली चार्ट के ऊपर वो की है 5.13 रुपीज़ के ऊपर, और यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड जो है मेजर वो तो बेरिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म के ऊपर जनाब इसकी पोजीशन अच्छी और पॉजिटिव लग रही है, और इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है 6.09 रुपीज़ की बन रही है। करंट प्राइस 5.13 रुपीज़ की है, और अच्छी सपोर्ट जहाँ आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं वो है 4.66 रुपीज़। मतलब 4.66 रुपीज़ के अराउंड आप बाय करें और अपना टारगेट रखें 6 रुपीज़ के अराउंड, तो जनाब इजीली आप इसके अंदर मंथली बेसिस के ऊपर भी गेन कर सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक के और वॉल्यूम भी अच्छे खासे इसके अंदर जनरेट होते हैं, 70,000 से लेके 80,000 के एवरेज वॉल्यूम ये जनरेट करता है, तो इसके अंदर भी जनाब आप बाइंग पोजिशन ले सकते हैं। अच्छा जनाब थर्ड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो पाकिस्तान रीइंश्योरेंस है। तो जनाब पाकरी ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वीकली बेसिस के ऊपर 5.96 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और चार्ट को थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो जनाब इसके पास जो अच्छी सपोर्ट थी वो थी जनाब 5.47 रुपीज़ की, इसी सपोर्ट को जनाब इसने टेस्ट किया है, और सपोर्ट को टेस्ट करके जनाब यहाँ से रिबाउंड हुआ है। वो करंट प्राइस 5.96 रुपीज़ है, तो अगर इसके अंदर आप एंटर होना चाहते हैं तो इसके पास जो एंटर के लिए अच्छा लेवल है वो वही सपोर्ट लेवल है 5.47 रुपीज़ के अराउंड। अगर 5.47 रुपीज़ के अराउंड आप इसके अंदर इंटर्ड हो, अपना टारगेट रखें 6.20 रुपीज़ का, तकरीबन जनाब 70 पैसे तक का गेन आपको ये दे सकता है। तो अच्छी सपोर्ट के ऊपर है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, इसकी EPS भी अच्छी आई है, तो इसके अंदर भी जनाब आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। अच्छा हमारा फोर्थ स्टॉक जो है वो असगर नाइन है, ANL।
जनाब ANL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है और ANL की पोजीशन भी जनाब इसका जो ट्रेंड है वो रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसका मेजर ट्रेंड बेरिश है, शॉर्ट टर्म के ऊपर इसकी पोजीशन रेंज बाउंड है। करंट प्राइस 6.41 रुपीज़ है और अच्छी सपोर्ट उसके पास बनती है जहाँ पर आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, वो 6 रुपीज़ की सपोर्ट है। और उसके पास जनाब जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहाँ पर ये रिवर्स होता है वो है जनाब 7.15 रुपीज़, मतलब 6 रुपीज़ से लेके 17 पैसा की रेंज के अंदर ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर कोई इसके अंदर एंट्री करना चाहता है और एंटर करके 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए होल्ड करना चाहता है तो जनाब इसके अंदर आप 6 रुपीज़ के अंदर बाय करें, अपना टारगेट रखें 7 रुपीज़ का, तो 1 रुपीज़ तक का गेन ये भी आपको अच्छा खासा दे सकता है। तो जनाब ये भी 10 रुपये के नीचे वाला स्टॉक है, 10 रुपये के बिलो वाला स्टॉक है, तो वो स्टॉक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जनाब जिनकी EPS भी अच्छी हो, तो ANL के अंदर भी इसकी EPS अच्छी है। अच्छा जनाब 5th स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है जनाब वो है ट्राई स्टार पावर लिमिटेड। तो जनाब ट्राई स्टार TSPL ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 8 रुपये। अच्छा जनाब TSPL ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है वो की है जनाब 8.81 रुपीज़ के पास और इसकी पोजीशन भी जनाब यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज बाउंड है शॉर्ट टर्म के ऊपर। इसके बाद एवरेज जो हाई बनता है वो 10.65 रुपीज़ का बनता है और एवरेज जो लो सपोर्ट बनती है वो बनती है 8.49 रुपीज़ की। यही आपके पास एंटर्ड लेवल है 8.49 रुपीज़ का। आपके पास जो टारगेट बनता है वो 10.65 रुपीज़ का बनता है, लेकिन आप 10 तक का भी सोचें तो बहुत है, मतलब 8.5 से लेकर 10 तक का टारगेट रखें तो 1.5 रुपये का गेन आपको ये दे सकता है। तो इसके अंदर भी ना आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं और पेनी स्टॉक के अंदर एक अच्छा स्टॉक है। तो जनाब ये थे 5 स्टॉक की लिस्ट, तो काफ़ी लंबी है लेकिन मुझे वीडियो शॉर्ट बनानी है और कोशिश करनी है कि जो अच्छे स्टॉक्स हों जो मुझे अच्छे लगे वो आपके साथ शेयर किए हैं। तकरीबन 5 स्टॉक तो आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर काम आएगी। वीडियो काम आए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह की अगर और तरह की रिसर्च आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा, जिस तरीके से मुझे और नए आइडियाज़ आएंगे तो आपकी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इसी के साथ याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।